अब से पहले स्कूल जाना इतना अच्छा लगता नहीं था, या यूं कह लो कि पसंद होने का कोई कारण ही नहीं था। अब तो बिना किसी झिझक के सुबह उठ जाया करता था मैं। ऐसा सीन इससे पहले मेरे साथ कभी हुआ नहीं था। क्लास में पहुंचते ही सेकंड रो की सेकंड सीट पे वो बैठी मिलती थी। वजह थी वो, जो स्कूल आने में मुझे इतनी खुशी मिलती थी। वो नोट्स एक्सचेंज करते करते मेरा दिल भी पन्नों के साथ फिसल गया। पहले प्यार में क्या शक्ति दिखाता यार, सबकी तरह मैं भी पिघल गया। अब मंजूर नहीं था कि टीचर मुझे उसके सामने डांटे, तो जुबान पे लगाम लगाया मैंने और कम कर दी थोड़ी बातें। होमवर्क असाइनमेंट्स टाइम से कंप्लीट कर लेता था, जिससे वो मांगे तो हाँ ही कहूँ। आजकल थोड़ा पढ़ने भी लगा था मैं, कि कल को कोई क्वेश्चन उठे तो उसका जवाब सबसे पहले मैं दे सकूं। उसे देखकर बेवजह मैं हमेशा मुस्कुराते रहता था, पागलों की तरह कॉरिडोर में भी हंसते गाते रहता था। अपनी सेकंड सीट से उठ के जब मेरी लास्ट सीट तक का सफर करती थी ना वो, उसे डाउट्स ही पूछने होंगे, मैं भी बड़े इत्मीनान से उसे पहले गलत फिर सही पढ़ाता था। कुछ बदल सा गया था मैं, या बदल दिया गया था। जिंदगी को जिंदगी कहने का एक कारण भी मिल गया था। क्लास में लगभग सारे ही बच्चे पानी लाते थे, पर मैं उसी से मांगता। ऐसे ही चलता रहेगा या बात आगे भी बढ़ेगी अपनी, फिलहाल तो अभी नहीं जानता। बात भी उतनी हो ही जाती थी जितनी होनी चाहिए थी। संडे के दिन सबको आराम रहता था, पर मुझे बेचैनी थी। जिस दिन वो आए उस दिन समा मुकम्मल लगता था, और ना आए तो मेरा वहां होना बेवजह। इंटरनेट पे पिकअप लाइंस भी पढ़ी है मैंने, पर उसके सामने कभी यूज क्यों नहीं कर पाया नहीं पता। मेरे सारे दोस्त सिंगल थे, पर टिप्स ऐसी देते थे जैसे कितनों को डेट कर चुके हों। मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इस मामले में जो कह रहे हैं वो करो। उन लोगों ने आइडिया दिया कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड का दिल जीतना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी परमिशन वहीं से ग्रांट होती हैं। तो अब अगला मेरा वही टारगेट है। तो अब उसकी बेस्ट फ्रेंड नताशा के पीछे मैं भागा। वो दोनों साथ में ही बैठते थे तो बातचीत करना भी आसान था। नताशा केमिस्ट्री में काफी अच्छी थी, तो नोट्स मांगकर ही मैंने उससे भी बात की शुरुआत की। ये सब तो सिर्फ एक बहाना था, केमिस्ट्री तो मुझे बस मेरी वाली के साथ बिठानी थी। काफी दिनों तक फिर यूं ही चला, फ्लर्टिंग तक मैं पहुंच गया, पर उसकी आंखों में मेरे लिए वो बात नहीं थी। थोड़ा और वेट करना चाहिए, करूं क्या? रिश्ता तो नताशा से भी मेरा फ्रेंडली हो गया था, बस फ्रेंडली ही था। हाया ना का जवाब तो दोनों डिस्कशन करके ही देंगे, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी था ना। इमेजिन तो उसको मेरे साथ मैं कब का कर चुका था। एक वक्त तो ऐसा था कि लग भी नहीं रहा था कि यहां तक भी पहुंचूंगा। पहली बार किसी लड़की ने आगे से फ्रेंडशिप बैंड बांधा था मुझे, अब तो बस वैलेंटाइंस डे के दिन रोज का इंतजार था। पर तब तक तो बड़ी देर हो जाएगी, मुझे ही थोड़ी जल्दी करनी होगी। क्या पता वो भी सोच रही हो कि मैं पहल करूं। दिल में फीलिंग भी पॉजिटिव ही थी। जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं दोस्तों से ही सलाह लेता हूँ, कोई ना कोई तरकीब निकल ही आती है और मैं भी टेंशन फ्री होता हूँ। तो वहां से एक सुझाव आया कि अपनी स्कूल पिकनिक होने वाली है यार, मौका भी है दस्तूर भी है, वहीं कर दियो इजहार। कैजुअल्स भी अलाउड है, तो जरा हीरो बन के जाइयो, कोई बहाना नहीं चाहिए, भाभी बनाकर ही लाइयो। मैंने भी सोचा बात तो सही है, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। कुछ बढ़िया कपड़े भी खरीद लेता हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन रहेगा। आईने के सामने मैंने रिहर्स करना शुरू किया। वो हाँ बोलेगी तो मैं सोच भी नहीं पा रहा था कैसे रिएक्ट करूंगा। पहला पहला प्यार है, मिल तो जाएगा ना, मेरा प्रपोजल उसे पसंद तो आएगा ना। अब पिकनिक वाला दिन आया, हम चल दिए स्कूल बस में। वो खिड़की के बाहर नजारे देख रही थी और मैं सिर्फ देख रहा था उसे। मेरा प्यार मेरे सामने बैठा है और मैं सिर्फ उसे महसूस कर रहा हूँ। मेरे चेहरे पे बस एक मुस्कान चिपकी हुई थी, कोई बता भी नहीं सकता था अंदर से मैं कितना डर रहा हूँ। डेस्टिनेशन पे पहुंचे हम, पर आज मेरी मंजिल कुछ और थी। थोड़ी देर बाद उसी ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें एक बात बतानी थी। मैंने कहा सेम पिंच, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। उसने बोला पहले मैं बोल दूं, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाना है। मुझे कोई जल्दी नहीं थी और उसकी बात सुनने के लिए तो मैं सालों तक इंतजार कर सकता था। उसने बोलना शुरू किया, पर इसके अलावा वो कुछ और बोलती ना, मैं दिन भर सुन सकता था। उसने बोला, मुझे नहीं पता उसकी हिम्मत क्यों नहीं है तुम्हें बताने के लिए। नताशा लाइक्स यू फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन तुम आए थे उससे केमिस्ट्री के नोट्स मांगने के लिए। उसने एड ऑन करते हुए कहा कि मेरा काम तो बस तुम्हें ये बताने तक का था, अब जो भी तुम्हारा जवाब हो इत्मीनान से प्लीज उसे बता देना। मैं शॉक में था, चुप खड़ा, इसका क्या जवाब दूं अब, सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस था। जिसे इम्प्रेस करने के लिए जिसका सहारा लिया, उस सहारे से ही काम खराब हो गया। फिर सोचा मैंने काम तो खराब होना ही था, जब ये फालतू आइडिया बेवकूफ दोस्तों का था। मैं हंसूं कि रो मुझे समझ ही नहीं आया,
जिसका एग्जाम देना ही नहीं था, उसी में टॉप कर ही आया। आंखों के सामने से धीरे धीरे वो ख्वाब की परत हट गई। उसे पाने के लिए उसकी फ्रेंड का सहारा लिया और अंत में उसकी दोस्ती पट गई। अब नताशा को क्या जवाब दूं?